स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी, अ मैन एंड अ वुमन। फिल्म की शुरुआत होती है फिनलैंड में एक लड़की से। इसका नाम संगमिन है और ये कोरिया को छोड़कर फिनलैंड में रहती है अपने बच्चे की स्टडी के लिए, क्योंकि इसके बच्चे का दिमाग अब नॉर्मल है। अगले दिन संगमिन का बच्चा अपने स्कूल से पिकनिक जा रहा है। संगमिन उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड है, इसलिए ये टीचर से कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, पर टीचर इसको मना कर देती है। वही हम दूसरे पर्सन को देखते हैं, इसका नाम किहून है और ये अपनी बेटी को यहाँ पर ड्रॉप करने आया है क्योंकि इसकी बेटी भी पिकनिक जा रही है। बस के यहाँ से चले जाने के बाद किहून सिगमन को अपने साथ चलने को बोलता है उस बस के पीछे। दोनों पिकनिक वाली जगह पर जाने लगते हैं। रास्ते में खो जाने की वजह से ये लोग वहीं बने एक होटल में जाकर कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं यहाँ वहाँ की। फिर वहाँ पर हैवी स्नोफॉल की वजह से इनका जाने का जो प्लान होता है वो कैंसिल हो जाता है और वहीं पर बिना एक दूसरे को जाने ही ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह संगमिन का बच्चा अपने स्कूल से वापस आता है तो ये उसको लेने जाती है। वहीं पर किहोंग की कार में से एक लेडी बाहर आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उसकी वाइफ है। अब घर आकर संगमिन को बुरा फील हो रहा है क्योंकि उसने आज ये जो किया है वो गलत है, क्योंकि ये मैरिड है और इसने अपने हस्बैंड के साथ एक तरह से चीट किया है। अब हम संगमिन को वापस कोरिया आते हुए देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ महीने बाद का सीन। यहाँ पर संगमिन अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे बेटे को अलग स्कूल में डाल देना चाहिए, पर इसका हस्बैंड इसकी बातों को साफ इनकार कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन संगमिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी अचानक ऑफिस के बाहर इसको किहून दिखता है। अब ये इसको इतने दिन बाद देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर इसको अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ पर दोनों बैठकर बातें करते हैं। किहून कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी तुम मुझे अचानक दिख गई, और यहाँ पर हम इसको देखकर साफ पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर अचानक नहीं बल्कि जानबूझकर आया हुआ है। अब संगमिन को ये टेक्स्ट करके मिलने के लिए भी बुलाता है, पर वहीं पर घर में संगमिन का बेटा टॉयलेट का पानी पी रहा होता है। उसे रोकने के चक्कर में ये उसका रिप्लाई नहीं कर पाती है। अब अगले दिन संगमिन को किहून फिर से दिख जाता है और ये इसे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे लेकर जाता है जहाँ पर ये काम करता है, जिस बिल्डिंग को इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। यहाँ पर दोनों काम करते हैं, बातें करते हैं, फिर वहाँ पर ये दोनों पास आने की कोशिश भी करते हैं तभी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर आ जाते हैं जिसकी वजह से इनका प्लान खराब हो जाता है। अब वहाँ से संगमिन सीधे अपने ऑफिस में चली जाती है। आज संगमिन को बहुत ज्यादा काम होता है इसलिए ये देर रात तक अपने ऑफिस में काम करती है। तभी यहाँ पर रात को किहून आ जाता है, मतलब ये इसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। इस संगमिन किहून को अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाती है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा फिर से पास आने की कोशिश करते हैं। तभी संगमिन का बेटा उठ जाता है जिस वजह से किहून को वहां से वापस जाना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं किहून के घर का सीन। यहाँ पर सभी वर्कर इसके घर आए हुए हैं क्योंकि आज इसकी वाइफ ने इनको डिनर पर बुलाया है। इसकी वाइफ का नाम है मुंजू और मुंजू यहाँ पर किहून की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है, फिर बालकनी पर चलने लग जाती है। और ये सारी हरकतें देखकर हमें पता चल जाता है कि इन दोनों का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं है। इनके रिलेशन में भी काफी लड़ाइयाँ होती रहती है और ये सारी चीजों का इफेक्ट है उसकी बेटी पर पड़ता है। और अगले ही दिन मुंजू स्लीपिंग पिल्स खा लेती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर हम मुंजू की मोम को देखते हैं जो इससे बताती हैं कि ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। अब यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि किहून की लाइफ बहुत ज्यादा परेशान है और इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब अगले दिन संगमिन बुसान जाने वाली है, वहीं अपने ऑफिस के बाहर वो किहून को देखती है। दोनों फिर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ संगमिन ट्रेन में आकर बैठ जाती है और साथ में बगल वाली सीट पर आकर किहून भी बैठ जाता है क्योंकि ये इसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता है, इसलिए ये इसको अकेला नहीं छोड़ता है। किहून संगमिन को बुसान छोड़कर वापस अपनी सिटी आ जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। और फिर ये दोनों अपना काम खत्म करके रात को मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर एक होटल में जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब अगले दिन संगमिन किहून के ऑफिस जाती है, उससे मिलने पर वो वहाँ नहीं मिलता और यहीं पर इसे किहून की वाइफ के बारे में भी पता चल जाता है कि वो बीमार है क्योंकि किहून ने इसे इस बारे में कभी नहीं बताया है। इस बात से संगमिन को काफी बुरा लगता है। रात को किहून संगमिन को ऑफिस के बाहर आता है। संगमिन कार में जाकर इसे किस करने की कोशिश करती है पर किहून इसे रोकता है क्योंकि वो अभी किस नहीं करना चाहता है। संगमिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये अपने आप को भी देखती है कि वो कैसी हो चुकी है। वो किहून के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही है, इसलिए वो किहून को कहती है मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ। जब वो सिगरेट लेने जाता है संगमिन इसको मैसेज करके कहती है कि मुझे भूल जाओ। किहून वापस कार के पास आता है तो वो यहाँ से जा चुकी होती है। अब अगले दिन संगमिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, वहीं पर किहून इसे बुलाता है मिलने के लिए। ये दोनों मिलते भी है और यहाँ पर किहून इससे रीजन पूछता है इसको छोड़ने का, बट यहाँ पर तभी कॉल आती है संगमिन को और पता चलता है कि उसका बेटा स्कूल में नहीं गया। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वो फाइनली मिल जाता है और ये दोनों उसको लेकर बीच पर जाते हैं और यहाँ पर ये एक हैप्पी फैमिली की तरह खूब मस्ती करते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। यहाँ घर आकर पता चलता है कि मुंजू भी अब घर वापस आ गई है और वो किहून के साथ रहना चाहती है और सब कुछ अच्छा करना चाहती है, अपने रिलेशन को पहले की तरह बढ़िया बनाना चाहती है। अगले दिन हम देखते हैं संगमिन के ऑफिस में एक शो होने वाला जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी है,
और वो किउन को कॉल करके मिलने का प्लान बनाती है। किउन इस बात के लिए मान जाता है और उसके ऑफिस में आकर उसका वेट करने लग जाता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो सैंगविन किउन से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा और उसका हस्बैंड दोनों इसको रिसीव करने यहाँ पर आ जाते हैं और इसको घर लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से सैंगविन किउन से नहीं मिल पाती है। घर पहुंचकर सैंगविन अपने बेटे को सुला देती है और रात के अंधेरे में यहाँ से चुपके से जाने की कोशिश करती है, पर इसका हस्बैंड इसको देख लेता है, पकड़ लेता है और उसको हो जाता है इसके ऊपर शक कि ये रात को कहाँ जा रही है। सैंगविन इसे सब कुछ बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है और इसका रिलेशन है किसी के साथ। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर इसके हस्बैंड को होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर इसको बैठकर बातें करने के लिए कहता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंगविन इतनी पागल हो चुकी है उसके पीछे कि इसकी बात सुने बिना ही ये होटल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर रूम में बैठकर इसका इंतजार करने लग जाती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद किउन नहीं आता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उनको जो कि डोर के बाहर ही खड़ा है यानी कि रूम के, और वो वहाँ पर खड़ा होकर रो रहा है पर वो गेट नहीं खोल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सैंगविन के साथ रहे, और वो यहाँ से रोकर वापस चला जाता है बिना गेट खोले। और वहीं पर हम देखते हैं सैंगविन को जो रूम में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही है और वो पूरी रात इंतजार करती है पर किउन नहीं आता है। अब हम देखते हैं एक साल बाद का सीन, यहाँ पर हम देखते हैं सैंगविन को जो कि वापस फिनलैंड में आ गई है और यहीं पर अकेली रहती है। इसके हस्बैंड ने इसको तलाक दे दिया है और इसका बच्चा भी उसके साथ ही रहता है। अचानक एक दिन सैंगविन को किउन की गाड़ी दिखती है और ये उसका पीछा करती हुई एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि किउन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए सैंगविन उसको बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। पर किउन उसको देख लेता है, वो भागकर बाहर आता है जब तक सैंगविन की गाड़ी जा चुकी होती है। वो अपनी कार की तरफ भागता है उसका पीछा करने के लिए, पर एक नज़र अपनी बेटी को देखता है और अपनी बेटी को देखकर इसका दिमाग चेंज हो जाता है और ये उसका पीछा नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं सैंगविन को जो कि अब जा रही है और अपने बेटे से बातें करके खूब रोती है। वहीं किउन अपनी फैमिली के साथ कार से रोड पर जा रहा है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों की गाड़ी अगल बगल में ही होती है। किउन को पता होता है कि इस बगल वाली गाड़ी में सैंगविन है, बट वो अपनी कार नहीं रोकता और वो आगे निकल जाता है। सैंगविन गाड़ी को रुकवा देती है और यहीं पर सिगरेट पीने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं किउन को जो ये सोच रहा है कि अगर वो सैंगविन के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है तो ये उसकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी वाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अच्छा कदम उठाया और सैंगविन को छोड़ दिया। और इस वजह से सैंगविन आज काफ़ी अकेली है क्योंकि एक तरह से इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया और इसके बच्चे को भी वो अपने पास रखता है। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो के लिए बाय।